नमस्कार, लाइफ टाइम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं डीडी जसरा। अभी हम ओल्ड कॉलेज की जो बिल्डिंग है वहां पर मौजूद हैं, और यहां पर हाल ही में यंग माइंड मेहदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है। तो हम थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस मुख्य ध्येय के साथ ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो खोला गया है, और विशेष तौर पर किस तरह के यहाँ पर कोर्सेज रहने वाले हैं, इस विषय में थोड़ी सी जो जानकारी है वो हम जुटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका परिचय चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन की जो शुरुआत हुई है तो क्या मुख्य लक्ष्य है, किस मुख्य लक्ष्य को लेकर आपने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है। सो बेसिकली आई अंबिका मेहता, सो पायल मेहता मतलब निक नाम से मुझे जाना जाता है। तो हम लोगों का क्या मेन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम रखा है यंग माइंड्स, एंड इसका नाम है मेहता एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि हम लोग ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हो क्लास फर्स्ट से 12th तक बेसिकली सारे ट्यूशन के सब्जेक्ट्स रहेंगे, फिर फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड एंड 11th 12th फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। स्पेशली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं योगा क्लासेस, जिसमें कि स्टूडेंट्स एंड बड़े लोग हैं, जो भी उनके पेरेंट्स हैं वो भी आकर अपना योगा कर सकते हैं। एडमिन हो कि बहुत लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है डॉक्टर के पास जाना, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हम लोग अपना एक्सरसाइज से भी सॉल्व कर सकते हैं और उससे हम लोगों का माइंड फ्रेश रहता है। तो योगा क्लासेस है, क्रैश कोर्सेस है, इंग्लिश स्पीक कोर्सेस है, और हमारा एक स्पेशल है जो हमने तैयार किया है, स्पेशल क्लासेस फॉर रिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि क्या होता है बेसिकली क्लास में स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर अटेंशन नहीं मिलती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बन चुके हैं, तो वील ट्राई कि ये हम ट्यूशन इंस्टीट्यूशन में करें और पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है उसमें हम उनको कलेक्ट करके सारे सैंपल्स पे वर्कआउट करके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। जी, तो ये हमारा मेन मोटिव रहेगा। तो थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि आज तो सिर्फ विधिवत एक पूजन हुआ है, कब से विधिवत शुरुआत होगी और विशेष तौर पर फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इन अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स के विषय में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। सर इसमें क्या है कि फी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ द क्लासेस के अकॉर्डिंग होगा। छोटे बच्चों का फी स्ट्रक्चर में डिपेंड करता है कि उनके सारे सब्जेक्ट्स है, तो फी स्ट्रक्चर हमने बहुत मिनिमम रखा है, 400 to 500, 300, वो डिपेंड करता है। और अगर हम बात करते हैं क्रैश कोर्सेज की, तो क्रैश कोर्सेज में भी हम लोगों का बेसिक फी स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको जैसे जरूरत है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बहुत वीक है, फाइनेंशियली भी वीक है, तो हम उनसे फी स्ट्रक्चर लेने का ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मैं इसी प्लेस से बिलोंग करती हूँ, तो एजुकेशन प्रोवाइड करना, बिकॉज यहाँ पर बच्चों को उतना अवेयर करना कि वो अपना 10th के बाद अपनी स्ट्रीम्स खुद चूज कर सके। जैसे कि व्हेन आई वाज इन 10th तो हमें पूछना पड़ता था मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले, क्या करे, अपने गोल्स नहीं होते थे। तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड कि बच्चे इतना स्टेबल और इतना उनको एजुकेशन हो कि वो अपनी स्ट्रीम्स और अपने गोल अपने अकॉर्डिंग चूज करें, अपने जी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इससे पहले कोई अनुभव रहा है इस क्षेत्र में आपका, या पहली बार ये इनिशिएटिव आपने लिया है? नहीं, बेसिकली जो मेरा स्टडी बैकग्राउंड है, मैंने बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, उसके बाद पे मैंने एमएससी बायोटेक करा है पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद पे जो मैंने है मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ, सीएसआईआर, वहां पर मैंने टीचिंग करी है। बट वहां पर हमारे पास बड़े बच्चे होते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स, जहां पर कि वो अपना ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के। तो छोटे बच्चों को नहीं डील किया है, कॉलेज स्टूडेंट्स वाले स्टूडेंट्स को डील करा है। जी, अंत में एक जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, फैकल्टी की अगर हम बात करें तो किस तरह से फैकल्टी रहेगी, और विशेष तौर पर छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो उनको किस तरीके से तराशा जाएगा? सर देखो, फैकल्टी के लिए हमारे पास, एक तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगी मिस्टर विनोद ठाकुर सर, ये जो है ये एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री है, जिनका ऑलरेडी ये पहले इंस्टीट्यूशन रन कर रहे थे। इनके पास अराउंड 100 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ था। तो छोटे बच्चों की बात करते हैं, वो डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे कंफर्ट जोन चाहिए। हमारे पास टीचर्स अवेलेबल है, जिस लेवल से बच्चों को समझाया जाता है वो धीरे धीरे, आप आगे हमारा देखेंगे, हम आपको क्लासेस की वीडियोस शेयर करेंगे कि हम लोग
किस चार्ट के लेवल से वीडियोस के थ्रू स्मार्ट क्लासेस के थ्रू उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके वो हमने सारा अरेंजमेंट किया है। ये बस एक पूजा वाला दिन था एंड दैट्स इट। शुक्रिया। तो ये थे, हाल ही में इन्होंने एक शुरुआत की है, तो हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जो अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना चाहते हैं, एक बार यंग माइंड्स जो ये इंस्टीट्यूशन खुला है यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। तो इस लाइव अपडेट में अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक अन्य अपडेट के साथ। आप देखते रहेंगे लाइफ टाइम टीवी। नमस्कार।